विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं। एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवा होती है। जब मरीज एंटीबायोटिक्स लेता है तो ये आहार नाल से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का आवर्धित दृश्य देखने से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें धमनियां होती हैं। जैसे एंटीबायोटिक टूटते हैं, ये उन धमनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। धमनियों के अंदर हमें रक्त कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण WBC तथा इसके साथ रोग लगाने वाले निश्चित जीवाणु दिखाई पड़ते हैं, जो कि रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणुओं के दीवार से चिपकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, पर कई बार हमें जीवाणुओं की अलग प्रजाति और अलग स्ट्रेन मिलते हैं, जिनसे चिपकने के बाद भी एंटीबायोटिक्स उन्हें नष्ट करने में असक्षम होते हैं। इसलिए ये जीवाणु एंटीबायोटिक प्रभाव के लिए प्रतिरोध करते हैं। जीवाणुओं को कोशिका द्रव्य झिल्ली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को समीप से देखने पर यह प्रोटीन परिवहन के कई चैनलों की उपस्थिति को दर्शाता है। इन्हें एफ्लक्स पंप कहते हैं। जब एंटीबायोटिक जीवाणु के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये इसी पंप के द्वारा बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार जीवाणु एंटीबायोटिक के कारण करते हैं। इस घटना को औषधि प्रतिरोध कहते हैं। बैक्टीरियम एंटीबायोटिक्स का कई तरह से प्रतिरोध करते हैं। एक अन्य प्रकार का ड्रग प्रतिरोधी जीवाणु एक नष्टकारी एंजाइम का स्राव करता है, जो एंटीबायोटिक के साथ बनता है और उसकी संरचना को सजग करता है। ये परिवर्तन एंटीबायोटिक को निष्क्रिय बनाता है। इस प्रकार प्रतिरोधी जीवाणु अप्रभावी रहता है तथा नए प्रतिरोधी जीवाणुओं का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप रोग शरीर में फैलने लगता है। कभी कभी हमें हरे पौधों के पत्तियों पर कुछ छोटे हरे कीट दिखते हैं। ये एफिड या ग्रीन फ्लाई होते हैं। एफिड लंबे पतले पैरों से युक्त शरीर और आहार नाल रखते हैं। अब हम पत्ती की कोशिकीय संरचना देखेंगे। इस कीट का सबसे महत्वपूर्ण अंग इसके चुभने और चूसने वाले मुखांग होते हैं, जिन्हें स्टाइलेट कहते हैं। एफिड अपने नलिकाकार मुखांगों का उपयोग पत्तियों को छेदने में करते हैं। जब ये रस की उच्च दाब वाली फ्लोएम वाहिकाओं में छेद करते हैं तो रस पंप से होकर इसके आहार नाल में आ जाता है। इस प्रकार एफिड अक्रिय रूप से पौधों की फ्लोएम वाहिकाओं में बहने वाले रसों को चूसता है। कई बार रस चूसने के क्रम में ये कीट पौधों में विषाणु या वायरस छोड़ देते हैं, जो कभी कभी पौधों को मृत कर सकते हैं।